क्या ये विश्व खत्म होने जा रही है? क्या हम मानवों के कारण से इस विश्व की, इस अर्थ की आयु कम हो गई है? बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि आप लोग हर रोज़ एक नई मुसीबत इस धरती पर, इस अर्थ पर आते हुए दिख रहे होंगे। कभी कोई अचानक से नया वायरस आ जाता है जिसके कारण से लाखों लोग, लाख आदमी जो है अपना जान गंवा देते हैं। तो कहीं जो है भूकंप आ जाता है जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है और उसमें भी लाखों लाख लोग अपना जान गंवा देते हैं। तो ऐसी आपद विपद इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आती रहती है। वही अगर इन सब से हम बच भी जाए तो कभी सुनने में आता है कि धरती की ओर कोई बड़ा सा चट्टान आ रहा है जो कि धरती पर टकराएगा तो धरती नष्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब संकेत दे रहे हैं कि जो हम मानव इस धरती पर जो कुछ भी कर रहे हैं उसका ही साइड इफेक्ट है। चाहे हम लोगों का वो जंगल काटना हो, चाहे हम लोगों का वो प्लास्टिक को यूज़ करना हो, चाहे हम लोगों का वो केमिकल का यूज़ करना हो जिसके कारण से ओजन लेयर बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हम मानव ही है जिसके कारण से इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है। और कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक है वो ज़रूर कहते हैं कि अभी इस अर्थ का बहुत आयु है, अभी जो है अर्थ समाप्त नहीं होगा। लेकिन हम मानव अगर इसी तरीके से व्यवहार करते रहे और अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाते हैं तो ये बात तय है कि एक ना एक दिन ये धरती जो है खत्म हो जाएगा, वो भी अपने समय से पहले। तो अगर हम लोग जीना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो हमें गाछी को, वन जंगल को काटना बंद करना होगा। उसके बजाय हमें नए जंगल में पेड़ लगाने होंगे। जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, जो हम पॉलीथिन यूज करते हैं, उसको हमें बंद करना होगा। उसके जगह हमें कपड़े से बने हुए या फिर पेपर से बने हुए जो है बैग होते हैं उसका प्रयोग करना होगा। हम लोग जितना भी पोल्यूशन करते हैं, केमिकल पोल्यूशन, उसको बंद करना होगा। फ्रिज एसी में प्रयोग करने वाले जो भयानक केमिकल होते हैं उन सब से हमें बचना होगा। और जितने भी ज़्यादा सावधानी हम अपना सकते हैं उससे ज़्यादा अपनाने की आवश्यकता है अगर हम लोग पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो। नहीं तो यकीन मानिए ये पृथ्वी एक दिन अपने समय से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इस बात का अनुभव कर रहे होंगे, ऐसा कोई ना कोई देश रहता ही है जिस दिन भूकंप आता है उस देश में। आप लोग हर दिन ऐसे खबर सुनने को मिलेंगे कि इस देश में भूकंप आया, इस देश में भूकंप आया, भूकंप के कारण से इतना क्षति हो गया, इतना लोगों की जान चली गई। तो आप लोगों ने विभिन्न समय में देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के वायरस भी आते हैं जिसके कारण से लाखों लाख लोग मर जाते हैं। उसमें कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि कुछ लोग जानबूझकर फैलाते हैं, तो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि खुद का खुद आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं उसका पता नहीं चलता, उसका वैक्सीन नहीं बन पाता है जिसके कारण से लाखों लोग अपना जान गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा, इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को सुरक्षित करना होगा अगर हम लोग पृथ्वी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आइए आप सब, हम सब आज एक संकल्प लें कि हम अब जो पोल्यूशन होती है वो नहीं करेंगे, हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, हम जो विभिन्न प्रकार के नॉइज पोल्यूशन करते हैं, साउंड पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, इन सब को नहीं करेंगे, बंद करेंगे। हम जो केमिकल पोल्यूशन करते हैं उसको बंद करेंगे। हम जंगल काटेंगे नहीं, हम पेड़ लगाएंगे। अगर ये सब करेंगे तो हम बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग ये सब कीजिए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आगे जनरेशन को, सबको सुरक्षित रखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ और नई जानकारी के साथ, ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहे AMN नेटवर्क पर। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं आगे, बहुत बहुत धन्यवाद।